लोकसभा चुनाव में हरियाणा के तीन निर्दलीय विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने इन उम्मीदों के साथ कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन तीनों ही निर्दलीय विधायकों और तीनों की त्रिमूर्ति के लिए अब विधानसभा चुनाव में अपना सियासी भविष्य बचाने की एक गंभीर चुनौती सामने खड़ी आ गई है, क्योंकि तीनों ही विधायकों के हलके में हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहां पर तीनों में से किसी भी निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस की टिकट मिलने के आसार नहीं हैं। तीनों ही निर्दलीय विधायक ये सोचकर कांग्रेस के समर्थन में खड़े हुए थे कि उनको अगर कांग्रेस की टिकट मिल गई तो वो दोबारा से विधायक बन सकते हैं, और इसलिए बीजेपी की सरकार का समर्थन छोड़कर तीनों ही विधायकों ने कांग्रेस को सपोर्ट देने का ऐलान किया था। लेकिन तीनों ही विधायकों के हलकों के हालात बता रहे हैं कि तीनों के रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं हैं, तीनों के रास्ते बिल्कुल मुश्किलों से भरे हुए हैं, और कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद भी उनको टिकट मिलने के कोई आसार नहीं हैं। पहले हम बात करते हैं सोमवीर सांगवान की। सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक हैं, वो बीजेपी के ही नेता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय विधायक बने और अब 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए वो एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, और विकल्प की तलाश में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। सोमवीर सांगवान के बलबूते पर ही कांग्रेस दादरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 5000 वोटों की लीड लेने में सफल रही, लेकिन इस योगदान के बावजूद सोमवीर सांगवान को दादरी सीट पर कांग्रेस की टिकट मिलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि मुनीष सांगवान, नितिन जांगू और दूसरे आधा दर्जन उम्मीदवारों के बीच में कहीं पर भी सोमवीर सांगवान के लिए जगह नहीं बनेगी। अभी तो सोमवीर सांगवान को बीजेपी का समर्थन छोड़ने के बाद कांग्रेस के रास्ते की तरफ देखते हुए कुछ समय हुआ है, अब उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के टिकट के उम्मीद में कांग्रेस ज्वाइन भी करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बावजूद भी उनको टिकट मिलने के आसार इसलिए नहीं है कि वहां पर वीटो पावर के चलते वहां उनकी दाल गलने के आसार नहीं है। वहां कांग्रेस के बड़े दावेदारों की संख्या के बीच में सोमवीर सांगवान को टिकट दिलवाने के लिए कोई भी नेता मुस्तैद नजर नहीं आता है। सोमवीर सांगवान को यह लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा उनकी मदद करने का काम करेंगे, लेकिन दादरी के हालात बता रहे हैं कि वहां पर दिल्ली से वीटो पावर के चलते ही टिकट आती है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था और 2024 में भी ऐसा ही होगा। यही वजह है कि सोमवीर सांगवान को दादरी टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन भी बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी के टिकट नहीं मिलने पर ही उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इमोशनली कार्ड उनका कामयाब होगा, जिसके चलते वो पुंडरी से विधायक बन गए। वो भी 2024 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन पुंडरी के अंदर भी लगभग एक दर्जन नेता कांग्रेस के टिकट के लिए अभी से मैदान में खड़े हैं। वहाँ जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर मची है, टिकट का घमासान मचा हुआ है, उसके चलते कहीं पर भी रणधीर गोलन के लिए गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि जहाँ भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास के तौर पर वहाँ पर आज की तारीख में भी सुल्तान सिंह जड़ोला टिकट के नंबर एक दावेदार हैं, तो दूसरे नंबर के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीक प्रदीप चौधरी भी टिकट की मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। तीसरे दावेदार के तौर पर कह सकते हैं कि 2019 में चुनाव लड़ने वाले सतबीर भान्ना भी भूपेंद्र हुड्डा की बजाय रणदीप सुरजेवाला के बलबूते पर टिकट लेने की लगातार दूसरी बार कोशिश करेंगे, लेकिन हालात ऐसे बन रहे कि वहां पर टिकट का फैसला सुल्तान सिंह जड़ोला और प्रदीप चौधरी में से एक के बीच में होगा। यही वजह है कि वहां पर रणधीर गोलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है, उन्हें विकल्प के तौर पर कोई नहीं ले रहा है, तो इसलिए कांग्रेस का समर्थन देना भी रणधीर गोलन के लिए वेस्टेज साबित होगा, उनको टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तीसरे विधायक के तौर पर धर्मपाल गोंदर ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया था। नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर भी बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी टिकट नहीं दी थी और वो भी बड़े गांव यानी अपने गोंदर के बलबूते पर ही चुनाव लड़ गए और अपने गांव के बलबूते पर वो विधायक बन गए। वो भी कांग्रेस के टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन नीलोखेड़ी के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं की नज़र है और इसलिए धर्मपाल गोंदर के कांग्रेस में शामिल होने और टिकट लेने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। धर्मपाल गोंदर को भी कांग्रेस में जाना फायदेमंद साबित नहीं होगा। अभी तीनों के तीनों विधायक अभी निर्दलीय विधायक के तौर पर अलग पहचान बनाए हुए हैं, वो कांग्रेस को समर्थन तो लोकसभा चुनाव में दे चुके हैं, लेकिन तीनों की निगाह अभी विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है।
इसलिए तीनों विधायकों के लिए अब ये सबसे जरूरी सवाल हो गया है कि अगर कांग्रेस में शामिल हों क्या उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है तीनों ही विधायकों ने टिकट की उम्मीद में ही कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस के तीनों सीटों पर हालात बता रहे हैं, तीनों सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों की संख्या बता रही है, तीनों सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों के वजन बता रहे हैं कि सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर को टिकट मिलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यानी तीनों ही विधायकों का कांग्रेस को दिया गया समर्थन बिना वैल्यू का साबित होगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और तीनों विधायकों को अपने बलबूते पर ही निर्दलीय विधायक के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोमवीर सांगवान के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। पुंडरी सीट पर रणधीर गोलन के सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। नीलोगढ़ी सीट पर धर्मपाल गोंदर के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।